ये है गोपी भल्ला साहब से हमारा इंटरव्यू का सेकंड पार्ट। तो भल्ला साहब, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया, इंडस्ट्री में आपको काफ़ी वर्ष हो गए और काफ़ी अनुभव लेकर आप बैठे हुए हैं, और आजकल आप कर रहे हैं FIR जो सब टीवी पर आता है और काफ़ी पॉपुलर है। जिंदगी में पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है आपको? जिंदगी पीछे मुड़ के एक्चुअली मैं देखना नहीं चाहता हूँ, मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ। बहुत स्ट्रगल की है तब तक यहाँ पहुँचा हूँ मैं। बहुत मतलब जो स्ट्रगल करके आपको जो सक्सेस मिलती है, आज पीछे मुड़ के देखता तो हूँ भी। जब मैं मीरा रोड में रहता था, विरार की ट्रेन में चढ़ता था, मीरा रोड में भी आप रहे? हाँ, तो कितनी भीड़ होती थी वहाँ पे। क्या हुआ, उन दिनों अमानत मेरा पीक पे था तो लोग पहचानते थे मुझे। अभी तो दो दो गाड़ियां हैं, अच्छा तो गाड़ी भी नहीं थी, ट्रेन में ही सफर करता था। लेकिन जब वो कह देते थे, अरे यार ये टीटो सिंह है अमानत वाला, तो अरे यार तो आप तब तक ट्रेनों में घूम रहे हैं आप, यार आपको गाड़ी ले लेनी चाहिए, ये सब है। तो नहीं था उस टाइम पर। उसके बाद मतलब मैं भी कहा कोई बात नहीं, ठीक है यार आ जाएंगे फिर। अच्छा, ये रेमुनरेशन में भी फर्क पड़ा है ना, उस टाइम पैसे उतने नहीं मिलते होंगे, आज हाँ थोड़ा हाँ ठीक ठाक बहुत मिलते बहुत हैं। फर्क है, बहुत फर्क है उसमें। मतलब मैं तो और बिना आज महंगाई भी तो दुगना, इतनी ज्यादा हुई है। महंगाई भी इतनी हो गई है। और उसके बाद मतलब मैं ये कहता हूँ, जो मेहनत करके आदमी को सक्सेस मिलती है उसका मजा ही अलग होता है। तो नहीं तो मैं, मेरा तो कोई था नहीं यहाँ पे, कोई मेरा गॉड फादर नहीं था, कोई कुछ बिल्कुल। नहीं था, किसी ने कोई किस तरह की हेल्प नहीं थी। और हाँ, मैं बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अच्छा जिसने मेरे को कि मैं किसने फाइनेंस कर दिया और मेरे पैसे भेज दिए मेरे लिए, कुछ नहीं है सर। मैंने जो भी किया अपनी मेहनत से किया, यहाँ भी जो भी मतलब है। अच्छा, जिंदगी में इतना संघर्ष किया है तो संघर्ष के दिनों में दोस्त बड़े बनते हैं, और वो जो दोस्त बनते हैं वो हमेशा लाइफ टाइम साथ में रहते वो हैं। अभी हैं जो 20 साल तो पहले दोस्त कौन थे कौन मेरे आपके दोस्त हैं, जरा बताना जानना चाहेंगे? मेरे एक्चुअली ज्यादा दोस्त तो हैं, है तो सारे दोस्त, लेकिन अच्छा जो मेरे खास दोस्त हैं, एक तो हैं सुशील पराशर अच्छा और अच्छा दूसरे हैं मिस्टर राजेश जौली, अच्छा अच्छा बस अच्छा यही हैं। बाकी तो सबसे प्यार है किस ही तरह से मतलब। टाइम शेयर किया दोस्तों में, और किस तरह से एक दूसरे का सहारा बने? ये और जौली तो मेरी स्ट्रगल पीरियड से हम जानते हैं, एंटोपर में रहते थे हम, एक ही अच्छा फ्लैट अच्छा में रहते थे, 4 दिन रहते थे किराए पे, अच्छा अच्छा तो 4 दिन शेयर करके रहते थे ओ तो उस एंटोपर में। तो उस वक्त हाँ तो इतना मतलब किराया भी, तभी हमारा 500 रुपया महीना होता था, मतलब 500 रुपया देने के लिए भी नहीं होते थे तब, तो इधर उधर से इकट्ठे करते थे। लेकिन वहां भी हमने मतलब ऐसा नहीं है भी हमने कोई भी रो धो के जिंदगी काटी हो, नहीं, हम हाँ तब भी हंसते अच्छे रहते थे, से मजाक हाँ करते रहते थे, मतलब हाँ एंजॉय करते थे वो सब करते करते। और आज भी वैसे ही मिलते हैं? हाँ वैसे, हाँ हम मिले ना मिले, लेकिन हम हमारी फोन पे बात होती है, महीने में एक दो बार तो हमें मिलना होता है। ओके ओके हाँ राजेश जौली, सुशील पराशर, इनसे मतलब पुरानी बातें फिर हम शेयर करते हैं। कैसे सुशील पराशर से, सुशील पराशर ऐसे इंसान है, मतलब आपको रात को 2 बजे भी कोई तकलीफ हो जाए वो बंदा खड़ा हो जाता है, मैं उसको सलाम करता हूँ उस बंदे को। क्या बात है, 2 मिनट में, सॉरी ना प्रमोद बोलो, 5 मिनट में, ठीक है बस। हाँ। अच्छा, तो गोपी साहब दोस्त बहुत जरूरी है, है? आप बहुत जरूरी। मैं बेशक मेरे रिश्तेदार भी होंगे आपके, रिश्तेदार तो बहुत है, लेकिन बेशक नाराज हो जाए, मैं रिश्तेदार ठीक है अपनी जगह है, बट वो एक रिलेशन होते हैं। बट जो जिंदगी में आपको एक अच्छे दोस्त मिल जाए, मैं कहूंगा इससे बड़ा सरमाया नहीं है। बहुत बहुत लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनको अच्छे दोस्त मिलते हैं, जो हमेशा आपकी दुख तकलीफ में मतलब तैयार रहते हैं खड़े होने के लिए। तो ये मतलब आई एम सो लकी, मैं खुश हूँ बहुत इसी तरह भी मेरे को अच्छे दोस्त मिले। और हम जानना चाहेंगे सर आपकी फैमिली के बारे में। फैमिली में मेरी वाइफ है एक ही और बेटा है, और मैं पंजाब में, तो मेरे ब्रदर वगैरह हैं, मेरी बहनें हैं, अच्छा मेरे अच्छा भाभी हैं। हाँ। यहाँ पे वाइफ बेटा और मैं, बेटा बच्चे, बेटा भी है मतलब, संतान भी आपकी एक ही है? हाँ एक ही है, एक ही है। अच्छा, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, मतलब हमारा एक मतलब एक ही है, दो भी नहीं, आप तो आधे हुए। तो ये भी अच्छी एजुकेशन कर ले, वो यही तमन्ना है, मतलब ये अच्छा पढ़ लिख जाए। अच्छा तो पढ़ रहा है, हाँ पढ़ रहा है। बाकी वाइफ टीचर थी, वो भी जब से थोड़ा मेरे को सक्सेस मिली, उसने कहा मेरे से नहीं होता काम, अभी छोड़ दे, रहूंगी सोऊंगी खाऊंगी अच्छा पीऊंगी। अच्छा मैं कहा ओके यार, उसने भी बहुत साथ दिया मेरा, उसको तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। वाइफ बराबर को बराबर हाजिरा नाम है उनका। अच्छा 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 है, मतलब हाजिरा क्या मुस्लिम कम्युनिटी से है? हाँ हाँ मुस्लिम कम्युनिटी। तो क्या लव अफेयर था? हाँ था, बॉम्बे में, बॉम्बे में एंटोफिल में ही। अच्छा, ये मैं राजू श्रीवास्तव में, हमारे पड़ोसी होते थे। अच्छा, और मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता जी हूँ, जी सॉरी मैं बीच में रह गई, जो जब मेरा अफेयर चल रहा था तो आशुतोष गोवारिकर जो है डायरेक्टर, तो सॉरी
एक फिल्म की थी हमने जाट हरियाणवी, उसमें हीरो थे आशु। अच्छा अच्छा। तो उन दिनों मेरा इनसे मिलना मुलना था वाइफ से, तो इन्होंने कहा यार मैं बॉम्बे जब जाएंगे ना हम मिलेंगे, वाइफ से मिलूंगा मैं। तो फिर मैं मिलवाने के लिए बांद्रा नेशनल कॉलेज में गया, वहाँ पे एक होटल था रेस्टोरेंट साउथ इंडियन, तो आशुतोष गुवारकर वहाँ पे आए। फिर मैं हम तीनों ने हमें मुझे याद इडली और बड़ा सांभर भी खाया था। अच्छा। फिर आशुतोष गुवार ने कहा गोपी कहना शी इज नाइस, बस तू शादी कर ले, बहुत अच्छी लड़की है। मैं कहा ओके क्या बात है। चलिए तो यानी बहुत अच्छी आपको पत्नी मिली, बेटा मिला, आप दोस्त अच्छा, मिले आप जैसे पत्रकार वो अच्छे मिले जिन्होंने मेरे को मतलब हमेशा हौसला बढ़ाया जी, जो हमेशा लोगों के तक पहुंचाने के लिए मैं आप लोगों मीडिया ने भी काफी सपोर्ट किया। हां मीडिया का शुक्रगुजार हूं और यादव जी आपका भी शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एज का राज जरा बता दीजिए हमको। वाह कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। चलिए तो ये रही गोपी बल्ला से खास बातचीत। हम बातचीत तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन आपके शॉट का बुलावा आ गया है। कुछ और ऐसा चलते चलते आप कुछ ऐसा पढ़ाओ, कुछ ऐसी मेमोरेबल चीज, कुछ ऐसी लाइफ की फिलॉसफी जिसमें आप यकीन करते हैं और जिसने आपको जिंदगी को बदल दिया हो। बस पहली चीज सच्चाई, दूसरी मेहनत, ये चीजें याद रखो। आप बेईमानी से मतलब झूठ बोल के लोगों से आगे बढ़ सकते हैं लेकिन वो लॉन्ग रन नहीं होता है, नहीं होता, कुछ टाइम के लिए होता है। आप सच्चाई से चलेंगे, मेहनत से चलेंगे, टाइम लगेगा लेकिन आपको सारी उम्र के लिए सुख मिल जाएगा। कभी मतलब सोचोगे भी शॉर्टकट रास्ता ना अपनाओ, मेरा कहने का मतलब ये है। नई जनरेशन को बहुत बहुत धन्यवाद।